नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है। अध्यक्ष चुनाव में खड़गे ने शशि थरूर को हरा दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव में 7,897 वोट मिले हैं। अध्यक्ष चुनाव में थरूर को 1,072 वोट मिले हैं। मतगणना के दौरान 416 मत अवैध पाए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में कुल 9,385 वोट पड़े थे। 51 साल बाद पार्टी को दूसरा दलित अध्यक्ष मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। राम की नगरी अयोध्या में सृष्टि के पालनहार का भव्य मंदिर तेजी से आकार ले रहा है। तो इस बीच में अयोध्या में एक बार फिर से भव्य दीपोत्सव मनाने की तैयारी जोरदार चल रही है। सीएम योगी की देखरेख में अयोध्या के दीपोत्सव को पिछले 5 दीपोत्सव से भी खास बनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। खास बात यह है कि इसमें इस बार पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इससे अयोध्या के दीपोत्सव में 4 चांद लग जाएगा। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी राम के राज्याभिषेक और सरयू आरती में भी शामिल होंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री 23 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे। इसके बाद राज्याभिषेक कार्यक्रम में शामिल होंगे, फिर सरयू आरती करने के बाद वो राम की पैड़ी दीपोत्सव में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सीएम योगी ने भव्य दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया है। साथ ही अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी सीएम योगी ने दिया है। इमरान मसूद बीएसपी में हुए शामिल। बीएसपी अध्यक्ष की मौजूदगी में हुई ज्वाइनिंग। बसपा ज्वाइन करने के बाद मसूद का बड़ा बयान आया है। एक खास मकसद के तहत ज्वाइन किया है। मसूद ने कहा है कि एक खास मकसद के तहत हमने बीएसपी ज्वाइन किया है। अखिलेश यादव ने वादों को पूरा नहीं किया। मसूद का अखिलेश यादव पर बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने वादों को पूरा नहीं किया। काशीराम जी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है, इमरान मसूद सपा में थे, बीएसपी में शामिल हो गए हैं वो, और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से वो बसपा ज्वाइन कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि काशीराम के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड दानिश वारसी जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? मसूद कांग्रेस में पहले थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी में आए और अब बसपा उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। जी बिल्कुल, देखिए नेताओं के लिए तो एक, मैं कह सकता हूँ, परिवर्तन उनके लिए एक विकल्प होता है और नेताओं के लिए इधर से उधर जाना एक परंपरा, मुझे लगता है कि उनका एक पैशन बन गया है। हालांकि इमरान मसूद की बात नहीं है, इमरान मसूद पहले कांग्रेस में थे, फिर समाजवादी पार्टी में वो आए और अब उन्होंने देखा कि समाजवादी पार्टी उनकी सरकार नहीं बना पाई है और अखिलेश यादव ने उनको एक अच्छा पद और अच्छा पद देने के लिए समाजवादी पार्टी में एक आश्वासन भी दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान मसूद की वापसी बहुजन समाज पार्टी में जाना सोचने पर ये मजबूर कर रही है कि बीएसपी का कोई जनाधार इस वक्त नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी को उन्होंने किन कारणों से छोड़ा है ये समझ में नहीं आया। लेकिन सहारनपुर से काफी दिग्गज नेताओं में गिनती होती है इमरान मसूद की और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लेकिन समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में जाना ये एक समस्या पर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो प्रतिनिधि पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है। अगर वो कांग्रेस में जाते हैं तो एक विकल्प बनता था कि 2024 के चुनाव को लेकर के शायद वो लोकसभा की तैयारी करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी से हट करके बीएसपी में जा रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी में उनका लोकसभा का रास्ता साफ नहीं हो पा रहा था, शायद उनको जो चीज वहां पर मिलनी चाहिए थी वो समाजवादी पार्टी में नहीं मिल पाई थी। मुझे लगता है इस कारण वो बहुजन समाज पार्टी में गए हैं। बिल्कुल दानिश, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अखिलेश यादव ने हमारे वादों को पूरा नहीं किया, तो हो सकता है कि वो वादे जो है समाजवादी पार्टी के तहत वो राज्यसभा जाना चाहते थे या लोकसभा से टिकट की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके वादों को पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने अभी एसपी ज्वाइन किया है। जी मैं बताना चाह रहा हूँ कि इमरान मसूद जो है पहले समाजवादी पार्टी में जब आए थे
तो उनका कद काफी बड़ा हो गया था और अखिलेश यादव के वो करीबी माने जा रहे थे। या तो इसमें ये हो सकता है कि इमरान मसूद को लोकसभा का रास्ता नहीं मिल पा रहा है, लोकसभा में अखिलेश यादव ने उनको शायद टिकट की दावेदारी को लेकर के उन्हें कोई आधार नहीं दिख रहे होंगे, लोकसभा में उनको मौका नहीं दिया जा रहा होगा, या फिर समाजवादी पार्टी में जिस कद की वो उम्मीद लेकर आए थे वो कद नहीं मिल रहा था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि बहुजन समाज पार्टी में ये गए हैं तो या तो लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर गए हैं, क्योंकि खुद मायावती से मिलने का इन्होंने टाइम मांगा है, सतीश चंद्र मिश्रा से नहीं मिलना चाह रहे हैं, मतलब खुद बहन जी से मिलेंगी या बसपा सुप्रीमो से मिलेंगी। अब इसके आगे क्या होता है ये तो 24 घंटे में पता चल ही जाएगा मीटिंग होने के बाद। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इमरान मसूद के शामिल होने से जो मुस्लिम मतदाता है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना समाजवादी पार्टी में पहले पड़ा था और ना ही अभी बीएसपी में जाने के बाद मुस्लिम मतदाताओं के ऊपर फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है कि या तो अखिलेश यादव को इस बात की भनक लग गई है, शायद मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ने में ये नाकामयाब रहे हैं इमरान मसूद, इसलिए बसपा का दरवाजा खटखटाया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानिश, बने रहिए हमारे साथ, फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर लखनऊ से है, जहां यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। जल्द ही लोगों को खटारा बसों से छुटकारा मिलेगा। प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू ने आदेश जारी कर दिया है। प्रमुख सचिव ने कहा है कि 75% बसें सेवाएं अनुबंधित बसों की होंगी, वहीं सिर्फ 25% बस सेवाएं रोडवेज की होंगी। वर्तमान में प्रदेश में 75% बसें रोडवेज की हैं, प्रदेश में सिर्फ 25% बसें ही अनुबंधित की गई हैं। प्रमुख सचिव के आदेश के बाद खटारा बसों को अब बस बेड़े से हटा दिया जाएगा, अच्छी स्थिति वाली बसें ही अनुबंधित की जाएंगी। सीएम के निर्देश के बाद सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को ये आदेश दिए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड दानिश वारसी जुड़ गए। दानिश, क्या कुछ जानकारी मिलकर आ पा रही है? अब खटारा बसों को परिवहन विभाग हटाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा बिल्कुल, देखिए आदेश भले प्रमुख सचिव ने 75% बसों को हटाने का आदेश दिया हो, लेकिन मुझे लगता है धरातल पे कोई चीज नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री ने अभी 15 नवंबर की एक डेट दी है कि 15 नवंबर तक सड़कें भर दी जाएंगी, मुझे नहीं लगता कि 15 नवंबर तक वो सड़कों का कार्यक्रम पूरा कर पाएंगे। आप आ गए हैं वेंकटेश्वर लू, यानी 75% खटारा बसें जो है वो उत्तर प्रदेश से हटा करके अच्छी बसों का करेंगे वो यात्रियों की सुविधा के लिए, तो क्या ये मुमकिन नहीं? मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर क्योंकि प्रमुख सचिव ने अगर ये बात कही है तो क्या सोचकर कही है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में खटारा बसों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अखिलेश यादव ने कई बार सहकारी इटावा की लेकर के जो रोडवेज की बसें होती है उनको लेकर कई बार उन्होंने फोटो स्टिल फोटो डाले थे ट्विटर के माध्यम से, सरकार पर निशाना भी साधा था कि उत्तर प्रदेश में ये विकास है तो भगवा राज में लिपटा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसको देखते हुए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए शायद प्रमुख सचिव ने ये आदेश दिया है। लेकिन धरातल पे ये कब दिखेगा ये सबसे सोचने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में यात्रियों की सुविधाएं के लिए बहुत सारे प्रयास होने हैं, केवल खटारा बस से काम नहीं चलेगा। खटारा बस के साथ साथ उनको यात्रियों के लिए तो सुविधाएं क्या देते हैं, सुरक्षा क्या देते हैं, ड्राइवर क्या देते हैं, इस चीज को लेकर उनको सोचना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर बसों में देखा जाता है कि भीड़ की मारामारी होती है, सीटें नहीं मिलती है, तमाम धक्का हमारे पास है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि 75% वो खटारा बसें हटा भी देंगे तो क्या वो अच्छी बसें खराब रोड पर चलने लायक रहेंगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि बसें फिर वो खटारा हो जाएंगी, क्योंकि उनको सड़कों के साथ साथ बसों के साथ साथ उन सड़कों को भी देखना पड़ेगा जहाँ पर उनको ट्रैवल होता है। कितनी भी अच्छी गाड़ी हो वो अगर खराब सड़कें होंगी तो उनकी हालत फिर से दयनीय हो जाएगी। इसलिए प्रमुख सचिव के बस के साथ साथ ये भी समझना होगा सरकार को। बिल्कुल, बसों के साथ साथ वहाँ के जो रोड है उनको भी दुरुस्त करना होगा, सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि बसें चेंज करने से ये स्थिति नहीं सही हो सकती है जब तक आपके रोड आप अच्छी ना हो। ये बिल्कुल सही बात है दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां बल्दी राय तहसील का घूसखोर लेखपाल कमलेश सरोज अरेस्ट कर लिया गया है। बता दी कि एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पैमाइश के नाम पर लेखपाल ने मांगे थे ग्रामीण से 5,000 रुपए। शिकायत पर पहुंची थी एंटी करप्शन टीम। बंदी राय तहसील के दखनवारा गांव में लेखपाल कमलेश सरोज की तैनाती है। बड़ी कार्रवाई की गई है, घूस लेते हुए लेखपाल को एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेखपाल का घूस लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। बड़ी कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की, एंटी करप्शन टीम ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए घूसखोर लेखपाल को अरेस्ट कर लिया है।
बंदी राय तहसील में ये लेखपाल तैनात हैं। सुल्तानपुर से ये खबर है, बंदी राय तहसील का मामला, घूसखोर लेखपाल कमलेश सरोज को अरेस्ट कर लिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनेश गुप्ता जुड़े हुए हैं, माफ करिएगा विनीत गुप्ता। विनीत, क्या कुछ जानकारी मिलकर आ पा रही है? घूस लेते हुए लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने अरेस्ट किया है। जी, आपको बता दें कि ये मामला यूपी के सुल्तानपुर जिले का है। सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय तहसील में लेखपाल कमलेश सरोज काफी समय से चर्चाओं में थे घूस के लिए। आज एंटी करप्शन की टीम ने उन्हें रंगे हाथ सुल्तानपुर के बल्दीराय तहसील से उनको गिरफ्तार किया। मामला ये था, बल्दीराय तहसील में कमलेश सरोज घूस की मांग हमेशा जो है ग्रामवासियों से करते रहते थे, जिस पर शिकायत पर पहुंची एंटी करप्शन टीम बल्दीराय तहसील के दक्षिण वारा गांव में। ये लेखपाल थे जिनको एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ आज गिरफ्तार किया है। हाँ, दक्षिण वारा गांव में ये लेखपाल तैनात है विनीत, और जी इन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आए दिन घूस की मांग का ये लगातार चर्चाओं में रहा करते थे। जी, शुक्रिया आपका विनीत, बहुत बहुत जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।